अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हीर वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, नया साल जो है वो आ गया है, 2024। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सो ये रेसिपी जो है वो मैंने 2023 में बनाई थी और मुझे पोस्ट करने का मौका नहीं मिला। तो जी, उसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। एक दो दफ़ा मैंने एडिट किया तो मेरी एडिशन ही जो है ना वो ख़राब हो गई। बहरहाल, मूविंग ऑन टुवर्ड द रेसिपी, यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ बादामी मटका हांडी। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार हांडी ये तैयार होने वाली है। तो जल्दी से जो है ना एंड तक आपने वीडियो को देखना है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 kg चिकन लिया है और उसको मैंने स्लाइस कर लिया है, और 1 kg से थोड़ा ज़्यादा ही था। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप जो है ना वो घी लिया है, और उसमें 1 onion जो है ना वो मैंने स्लाइस करके तो डाल दिया है, और अदरक लहसुन को जो है वो मैंने पेस्ट बना लिया है। 3 tomatoes मैं लूँगी और उनमें थोड़ा सा पानी डाल के उसकी मैं प्यूरी तैयार कर लूँगी। अनियन को मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, जस्ट उसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म करना है। और जैसे ही उसका कच्चापन ख़त्म हो तो इसके बीच में जो है ना वो जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने बना के रखी हुई थी वो मैं ऐड कर दूँगी। सर्दियां हैं और इसको जो है ना वो कुक होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा क्योंकि मट्टी की हांडी है और उसको जो है ना वो सेक जो है ना वो जल्दी लग नहीं रहा था क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो ऊपर से सिलेंडर की जो आग होती है उसका तो फिर आप लोगों को पता ही है। चले जी, अनियन और जिंजर गार्लिक के बाद थोड़ा सा उनको सॉटे करने के बाद अब इसके बीच में जो चिकन मैंने कट किया हुआ था क्यूब्स में वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें 2 टेबल स्पून में 2 teaspoon सॉल्ट ऐड करूँगी, और हल्दी है मेरे पास 1/2 teaspoon, और 2 teaspoon ही मैं इसके बीच में रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। और इसके बीच में मैं डालूंगी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 teaspoon इसमें ऐड करूंगी, और इसको जो है ना वो मैं मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देखती जाऊँ, टिप ये है कि आप इस हांडी को हाफ डन करके तो रख दें, और जब आप 3-4 घंटे के बाद उसको बाकी का डन करें तो वो आपकी एग्जैक्ट ऐसी हांडी बनेगी जैसी आप बाज़ार से खाते हैं। टोमेटो की जो प्यूरी मैंने तैयार की थी वो भी मैंने इसमें डाल के तो इसको मिक्स कर लिया है, और उसको जो है ना वो मैंने मीडियम से थोड़ी तेज़ आँच के ऊपर मैंने उसको कवर करके जो है वो छोड़ दिया है, और बीच बीच में मैं उसको देखती जाऊँगी। तो जी, यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च ली थी और उसको मैंने चॉप करके इसके बीच में ऐड कर दिया है। अब जो इसमें प्याज है ना वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए, वो इतना अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है ना। लेकिन बुनाई करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि चिकन जो है ना वो हमारा टूटे नहीं और मैशी कंडीशन में ना हो। तो यहाँ पे जो है ना ब्लैक पेपर मैंने लिया है 1/2 teaspoon इसमें मैंने ऐड कर दिया है, और उसको जो है ना वो मैंने बड़े हिसाब किताब के साथ जो है ना इसमें चम्मच हमने हिलाना है, बिल्कुल नीचे पैंदे के साथ आपका चम्मच जो है ना वो बिल्कुल बॉटम के साथ इसके लगना चाहिए, और आपने उसको नीचे ही करके जो है ना वो अच्छी तरह मिक्स करना है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते और बेल आइकन को भी प्रेस करते ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। ये आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन होती है, मोटिवेशन होती है हमारे लिए, ताकि हम जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोज बनाते रहें और आप लोगों के साथ अपनी रूटीन, अपनी रेसिपीज जो है वो शेयर करते रहें। तो अगर आपको मेरी मज़ीद रेसिपीज देखना चाहते हैं तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। आप लोग मुझे बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना वो मैं अब इसकी बॉडी अच्छी से जो है ना वो मैंने भुनाई करनी है। अब आपने बड़े ये देखे, बिल्कुल बॉटम के साथ चम्मच लगना चाहिए आपका, और उसको आप नीचे रख के ना तो आपने उसको मिक्स करना है। जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा घी ऊपर आए, पानी काफ़ी हद तक यहाँ पर खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैंने 1 कप जो है ना वो दही का ऐड कर दिया है। अब ये जो है ना तेज़ आंच के ऊपर आपने यहाँ पे इसको करना है ताकि ये पानी इसका जल्दी खुश्क हो जाए। यहाँ पे मैंने कुछ आलमंड्स लिए हैं और उनको जो है ना वो मैंने इस तरह से पीस लिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें दूसरे आलमंड्स भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट वो बॉईल किए हुए आलमंड्स भी, उनका छिलका उतार के मैंने इस तरह पेस्ट किया, इसकी ज़रा मज़ेदार सी खुशबू आती है बड़ी, और ये खाने में जो है ना वो और मज़ेदार चस्क करा देता है बादाम जो है वो।
एक अलग से इसका अरोमा है यहाँ पे जी। ये मेरा बिल्कुल डंडना डंडन हो चुका है, घी जो है वो मुकम्मल ऊपर आ चुका है, पानी मुकम्मल खुश्क हो चुका है, और कितना ही डिलीशियस, और बिल्कुल कोई भी अनियन इसमें बाकी नहीं रहा, सब जो है ना वो पिस चुका है। तो जी ग्रीन चिली थोड़ी सी मैंने चॉप कर ली है, वो मैंने इसमें डाल दिया। हरा धनिया थोड़ा सा चॉप करके इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है। एक दो मिनट के लिए जस्ट इसको कुक करेंगे एंड देन इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी हांडी की रेसिपी कैसी लगी। एंड डू ट्राई इट एट होम, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी आपकी तैयार होगी। तो जी अगली वीडियो आने तक आप सबको हिरवर्स की तरफ से अल्लाह हाफिज़।